इंडियन एग्जाम में एवरेज पास होते हैं बाई जून, 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, 50 दे दिया एवरेज मार्क्स में। कोई वाला सवाल बन गया, कुमार आ गया, तो कौन कौन सा बचेगा? मैथ्स कॉमन है, जो भी कमी ज्यादा होगा उसमें ऐड कर देंगे, है ना। जैसे कितना 4 कॉमन आ गया, ये -8 है, ये +12 है, ये 4 16 ऐड कर दूंगा, ठीक है, +16 है, 14 आसान सवाल है, ये थोड़ा, ठीक है, वरना वैसे कर लूंगा 5 जोड़ियां, एक संख्या में एक जुड़ता है, 5 में कहां जुड़ेगा, 5 से 1 से 2 है, अभी मेरा एवरेज यही है, 1 से 1 का एवरेज पड़ेगा, 2 बाई 2 करेंगे, एक संख्या से 2 बढ़ा, लेकिन 2 से कितने बढ़ा, एवरेज 1 बढ़ा, जब मैंने 5 संख्या जुड़ी थी, 5 आगे सिंपल बताया था, बहुत सारे सवाल बताया मैंने, है ना, इसे कंफ्यूजन हो रहा था, क्या हो गया, भूलिया एक, अगर एक इवन नंबर बढ़ाया तो कितना बढ़ा, +2, लेकिन ये 2 बाई 2 तो था, कैसे, पहली प्लस आखिरी टर्म, पहले टर्म वो भी कॉमन है, आखिरी टर्म में +2 हो गया, है ना, तो 2 से डिवाइड होकर प्लस एवरेज 1 से बढ़ेगा, ठीक है, 5 संख्या से एवरेज 5 हो जाएगा, भूलिया हमने कहा था कंसेक्यूटिव नंबर होते तो कंसेक्यूटिव नंबर 1 बढ़ा, लेकिन 2 से डिवाइड करूंगा एवरेज 0.5 से बढ़ेगा, तो अगर 5 नंबर जोड़े तो मतलब 2.5 हो जाएगा, ठीक, इसी सवाल का एक अंदर का नंबर होते तो 1 + 2.5 हो जाता, ठीक है, इस तरीके बहुत सारे आप कंफ्यूजन होते हैं ना, 260 कर लेते हैं फटाफट, 5 ईयर्स में एवरेज एज ऑफ फैमिली विच इंक्लूड्स फादर मदर एंड सन, तीनों के बैठे से तो आज 40 हो गई, आज 3 में 40 हो गई, फादर मदर और सन की, तो 3 और 4 की तो आगे ठीक है, तो एवरेज एज ऑफ फादर फादर मदर की आज भी जो क्या है उसकी फादर और मदर की, तो वो तो देखो किसके पूछ रहा है, या तो डायरेक्शन अगर मतलब 3 से 3 से नंबर और 120 में से 98 माइनस तो 5 ये 5 साल बढ़ाए 5 ऐड करके आज की अभी तीनों की, ये 3 साल बढ़ाए 3 साल ऐड करके आज की अभी, ये फादर मदर की भी इसमें से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 261 49 आगे से सिंपल है, हां भैया देख लेते हैं क्या है, सर 12 खिलाड़ी को रखा है, इस बैट है एवरेज इज ऑफ टीम हैविंग 12 रेस 12 का 23 है, तो ये जो है कोचिंग हो गया तो 25 हो गया, तेरह बाद कितना बढ़ा, 2 26 बढ़ गया, ठीक है, पुराना एवरेज कितना है 23 में कितना आ गया, तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, वरना जैसे हम करते हैं कि 12 लिख लो 3 लिख लो 3 लिख लो, ये कितना था 12 का 23 था, 2 बढ़ गया 25 हो गया, अच्छी सुविधा दो एक ही बात है, पच्चीस या जैसे मैं पिछली बार बताया था 6 तारीख को 1 तारीख को 7 तारीख को कैसे बेच देता हूँ, है ना, अब ये सही है ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है ना, वैसे ये ओनली हो जाता है, ये ओनली हो जाता है, ये आसान था,
The average age of 24 students is 12. Simple ये भी हो। इसमें बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। छह बढ़ रहा है, बढ़ता है। हो सकती है। हाँ। थोड़े रेडी रेडी कितने हैं यार? हाँ। छह में 12 में का? हाँ। जो 12 जब मैंने ज्यादा लेंगे कम लेना तो माइनस हो जाएगा। कितना कम करना है? 6 तो 2.25 आ गया। 1/4.25 आ गया। 24 12 है। माइनस 6 करना है तो 6 24 बांट देने आएगा। 1/4 कितना? 2.25। तो 12 में 0.25 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर एक मैच के लिए 45 है। 5 का 45 का एवरेज उसका ज्यादा कितना कह रहा है? 15.75। क्या करने जमान लेते हैं? 15.75 मान लिया मैंने। ये ज्यादा होगा कितना? 25। कितना ज्यादा है इससे? ये 30 ज्यादा है। 15.25 ठीक है। 25 सबसे बड़ा कैसा बच्चे लगा? किस दोनों वर्ड जोड़ो? किस दोनों सबसे दो दो जो बड़ी संख्या सबसे बड़ा कब आएगा? जब मैं सबसे छोटा नंबर बताऊंगा किसी चीज में से। सबसे सबसे छोटा कब आएगा? सबसे छोटा क्या लिखूं बताओ? सबसे पहले बड़ा वाला क्या कह रहे हो आप? 25 प्लस 29 कर दूं माइनस 18 क्या आ गया? 36 7 जोड़ दूंगा 36 आ गया। अगले समझ में कौन सा क्वेश्चन करें जिसमें हमें डायरेक्शन आ रहा था? क्वेश्चन नंबर बताओ। और सबसे बड़ी गैस निकालनी कैसे मिलेगी? छोटा पूछेगा सबसे बड़ा कौन सा है? 29। सबसे छोटा कब आया? 14। अगर वो 20 वाले का पूछता तो 20 वाले का माइनस कर दो। ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी 25 है। ये जब बड़ा होगा तो सबसे बड़ी दो ऐड करके माइनस 40 वाली तभी तो आया था। अगर कोई चीज नेगेटिव में जैसे मान ले मेरे पास 50 होते हैं और तेरे पास 100 होते हैं ठीक है, हम दोनों का मैथ विशाल आ गया। हम दोनों के पास ज्यादा ज्यादा कब होगा? जब विशाल बिल्कुल ही पैसे नहीं लेकर आएगा तभी तो होगा। जब 30 में 0 माइनस करूंगा तब होगा सबसे ज्यादा। लेकिन अगर इसके पास 10 हो गया कब हो गया ना हमारा रेट तो आ रहा था इसके पास 0। अगर इसके पास 100 हो गया तो हमारा 50 हो गया बस है ना। जितना माइनस वाली छोटी होगी उतना इन दोनों का योग ज्यादा होगा ठीक है। अगर हमसे मैक्सिमम पूछा है तो सबसे कम वाले माइनस कर दो।
दो बड़ी बड़ी को ऐड करके सबसे कम वाली माइनस कर, सबसे कम वाली माइनस कर तो बड़े वाले माइनस कर देगा तो ज्यादा वाली कर ना उसमें, ठीक है। जैसे उदाहरण दो इसमें देख लो ये क्या आया, हटाइए माइनस चार चौदह आ गया, ये सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा माइनस कर सबसे बड़ा आएगा, तो बीच वाले टर्म माइनस कर लो सबसे बीच वाले से 25 तो बीच वाले टर्म निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा साल का लड़का चले गया, वो एक लड़का 20 साल का आ गया, कितना बढ़ गया, कितना इफेक्ट हुआ, जाने से वायरस का गया 30 का है तो मेरा कितना ग्रोथ हो गया 12 का हो गया, कितना बढ़ेगा एवरेज भी बालक हो गए, जितने भी बालक होंगे उसमें बढ़ जाएगा ये, ठीक। और क्या आएगा जो भी एवरेज रहा घटा या बढ़ा है, कितना घटा है बढ़ा है, ठीक है, ऐसे निकल जाता है। तुम सीधा ये बता देना, तुम सीधा ये बता दो तो ये याद रखो कि निकाले दोगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि आया कैसे था ये, है ना। मैंने कहा मेरा डायरेक्शन यही तो होता है, जितना भी कमी आ जाता है जितना मैं बढ़ दूंगा उतना ही एवरेज कमी ज्यादा हो जाएगा, सारे हो जाएंगे रखा है 49 का दे रखा है 30 50 अच्छा एक का पूछा है आसान सवाल है डेविएशन से हमने 49 का कितना करता है 49 का 50 50 से 50 और 100 का पूछा इस एक का पूछा है जो सर बोल रहा है 49 ये 2 का है ये 2 का है ये माइनस में ये प्लस है 100 के 2 ठीक है तो 2 का माइनस आएगा ठीक है जो भी ये प्लस 2 इसके पास है तो इसके पास किससे चलेगा बेटा, किससे चलेगा बेटा, किससे 2 का वरना बेसिक से कैसा होगा, इसे इनटू करो माइनस कर दो इसे इनटू और माइनस कर दो ये करेक्ट आएगा, इसको करता है हां भैया, लेकिन फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी वैसे ठीक। अब तो बेसिक भी करा करते हैं जो वाला ना हो, कितना वाला नहीं हुआ तो देखा कितना ना देखें 268 एक बल्लेबाज 16 बल्लेबाज आते हैं 48 भैया 16 दिया 48 अब 81 में से बैट्समैन एक साइज बोरो 81 रन 63 आसान तो अभी नेक्स्ट डे जा रहे हैं ये उसकी तरह नहीं हो गया 16 पे अब ऐसा में ऐसा स्कोर ऑफ 81 रन इन द फोर मैच के बाद बताओ भैया 16 और 48 में से कैसे जीत रहा है 16 मैच तो उसने 81 बना दिया तो एवरेज कितने से बढ़ गया 3 से 16 सोलह का 3 से बढ़ा है 16 दिए 48 हाँ। अभी कैसे में क्यों बता रहे हैं तो जाएगा क्योंकि ये इसने सब में बांटा होगा हाँ। या तो एक काम करते हैं जब ये 103 से बढ़ा है तो इसने क्या करा होगा बाकी 15 है हर इनिंग को 3-3 दिया होगा इसने हाँ। होगा हर इनिंग को 15 दिया हर इनिंग को 45 दे दिया है ना तो इसके पास कितना बचा वही नया एवरेज लग गया वही नया एवरेज लग जाएगा अगर 48 माइनस करूंगा कौन सा आएगा पुराना एवरेज निकल आएगा 33 तो नहीं बैठता तो नहीं बैठता तो नया आ जाएगा तो क्या करता है जैसे कौन से करता है 48 वाले से करता है 16 में बांटे 48 आ गया ठीक है अब इसे क्या करते हैं कैसे से माइनस कर दो जो भी पुराने एवरेज से ज्यादा होगा वो किसमें बांट के हैं सब में बांट देते हैं पुराने एवरेज से है ना वो सब में बांटते हैं लेकिन जो इस बंदे का खुद का एवरेज होगा फिर क्या करते हैं नए एवरेज से नए एवरेज से जो सफल एक्स्ट्रा होगा केवल बाकी में बांटेगा है ना यहाँ से क्या आ जाएगा 35 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
जब मैंने 16 में बांटा मतलब अपने आप को भी दिया तो पुराने एवरेज के बाद जो बचा था ना वो एवरेज पुराना एवरेज निकलता है। अगर अगर 16 में बांटा है इसका मतलब मैंने पुराने एवरेज के बाद जो भी बचा उस समय बांटा अपने आप में भी बांटा ठीक है। लेकिन अगर नया एवरेज होगा तो नया तो इसके पास ऑलरेडी नया एवरेज है अपने आप में क्यों बांटेगा उस नया एवरेज से अलावा जितना इसके पास है उसमें बांटेगा सब में बांटेगा ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूं कितना 81 में से क्या माइनस कर दूं 15 इनटू 3 तो क्या आया 15 से 45 इनटू 45 ये क्या निकल आया ये 16 ठीक क्यों निकल आया इसमें नए एवरेज से जितना भी ज्यादा था वो बाकी सब में बांटना है तो इसके पास ऑलरेडी नया एवरेज था ठीक है। इस वाले सवाल में सिर्फ नया एवरेज निकला था जाकर बैठ के करना समझना मैं क्या कह रहा हूँ फिर से समझ लो इस वाले में क्या कर रहा है 16 में बांटता हूँ जब मैं समय कम बांटता हूँ मैं पुराने एवरेज से जब एक्स्ट्रा आता है तो उसको सब में बांटता हूँ है ना। इसका मतलब ये पुराना एवरेज निकल पाया क्योंकि मैंने सब में बांटा लेकिन अगर मैं 15 में बांटा इसका मतलब मैं खुद का नए एवरेज में लेकर बैठा और जो भी मेरे पास नए एवरेज था अपने लेकर बैठू अपने भी बांटूंगा मेरे पास मान लो मेरे पास 100 रुपए थे और मैं कह रहा हूँ नया एवरेज 20 रुपए का है ठीक है तो मैं तो 20 लेके बैठा मेरे पास जो एक्स्ट्रा है वो बाकी सब में बांटूंगा तो 20 को बांटेंगे जो 80 मेरे पास एक्स्ट्रा है वो बाकी इतने मिल जाएगा मैं बांटूंगा ऐसा होगा है ना। ये क्या निकल रहा है नया एवरेज ठीक है चलो तरीके से क्वेश्चन 269 जब तुम बार बार करोगे ना सवालों को तुमने चीज समझ आ जाती है ना तुम बैठोगे जहां तुम बैठोगे वहां कंफ्यूजन हो जाएगा कि नया है या पुराना है नया पुराना फिर जाओगे नहीं अगर जोड़ दे तेरे का निकाल लिया तो उस बारे में एवरेज दिया है हमें एवरेज पता है इसमें हमें ना तो पुराना एवरेज पता ना इस तरीके से सवाल करा है लेकिन ये बात नहीं ठीक है तो मुझे एवरेज कम करना पड़ेगा कितने से 36 भाई कितने वाला 9.10 आ गया 24.8 ठीक है आसान सवाल है 1470 क्या है 270 बड़े का एवरेज होता है स्क्वायर का फर्स्ट है स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सम का n माइनस 1 बटे 2n प्लस 1 और 2n प्लस ये 10 आ गया और ये 13 आ गया 30 आ गया ऐसा कुछ ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो 32 है 36 हो गया कितने अब कितने मेंबर बढ़ रहा है 4 5 पे बढ़ रहा है 5.20 बढ़ रहा है ठीक है। तो पुराने एवरेज कितना है 32 का पुराने एवरेज पुराने एवरेज में 20 जोड़ूंगा मैं 36 में 20 जोड़ दो ठीक है। कितना है
सबसे बड़ा घटा दो, सबसे छोटे दो नंबर बता दो, इसमें से माइनस पांच तेईस आया, तेईस में दस जोड़ दूंगा तो पैंतीस, दस हजार पैंतीस हजार आज के तेईस है ना। आसान सवाल चलो एवरेज एज ऑफ सिक्स मेंबर ऑफ अ फैमिली इज 25, द यंगेस्ट मेंबर इज 17 इयर्स ओल्ड, कैन नॉट डू द एवरेज फॉर 12 इयर्स का टाइम होता है। मैंने थोड़ा बताओ भाई, एक परिवार के 6 सदस्य कैसे करेंगे बोलो, एवरेज के बारे में बता देगा, बता एवरेज में से बता देंगे पच्चीस। वो 12 सबसे छोटा वाला कितना है, 15 साल का, जब ये 15 साल का वो उन सब का 6 का एवरेज कितना होगा, जब वो 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 15 का 10 साल जाएगा, इस टाइम पे उसकी एज 0 है, तो जो भी इन दोनों को इन सबको इंटूबर का आएगा उसकी तो 0 है, उसे 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 25 रुपया निकल जाएगा, है ना। जो ये सब निकल का आया, ये 60 निकल का आया, इस 60 में बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो 0 ही है ना, क्यों 0 साल का इस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने वही करा, इस 6 मेंबर की भी 10 × 6 टोटल ये होगा, इतना आगे सबका ये होगा 60, लेकिन इस टाइम पे उस मेंबर की 0 है, सबसे छोटा बंदा जो होगा वो 15 साल का, ये कह रहा था 15 साल का लड़के से पैदा हुआ था तो बाकी 5 मेंबर की एवरेज क्या रहेगी, ठीक है। तो मैंने देखा 5, 6 की 25 है, मैं 15 साल पहले पहुंचूंगा, इसमें से 15 घटा दूं तो 15 घटा दिया तो क्या बचा 10, 6 मतलब 15 साल पहले की 6 महीने की एवरेज रहेगी 10, लेकिन ये छठा बंदा उस टाइम 0 साल का रहा होगा, तो टोटल इसे कितना 6 × 10 तो टोटल योग कितना आ गया इसका 60, लेकिन एक बंदे की 0 है जब उसके जन्म पे 5 हजार कर दे 5 रुपया भेजा के 12, ठीक है। तो अगली बार ओरली कर देना, अभी आज सवाल आएगा इस तरीके की ओरली करनी है, ठीक है। एवरेज मार्क्स ओके भाई, 150 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन 50 है, पास वालों का 60 है, और इसका 20 है ना, 36 का 18 है, 2 समय से घटा दिया, पिछली बार क्या हो रहा था, पिछली बार ऐसा हो रहा था 36 संख्याओं पे 2 बढ़ रहा था, 36 में बढ़ रहा था, 36 कट जा रहा था बार बार, इस वजह से सीधा वही माइनस हो जा रहा है, ठीक है। चलो
275 क्या हो गया, तो 18 में से 2 गए, 16 आ जाएगा, 276 आ गया। एक सौ चालीस स्टूडेंट का कितना है 90 इधर एवरेज मार्क्स और पास वाले में 120 है। ये इससे ज्यादा तो ये एवरेज से कम होगा है ना, क्योंकि इसने पैसा ले रखा है। ये कितना जाएगा, 3 आ गया, 10 50 बटे 3
क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा है। देखो जैसे सर कल परसों करता है तुम करके रहते हो तुम्हें पता होता है वाला सवाल ऐसा दो सौ अट्ठाईस क्या है गोविंद का पूछा गोविंद वाले अलग है तीन अच्छा सुबह तीन हो गए भैया एक बोलने वाला नहीं हो गए एक बंदा कौन दो दो ये कितना इन दोनों का 63 इन दोनों का 70 और इन तीनों में कितना माइनस दो प्लस पांच प्लस तीन तो प्लस छह सही है यही वाला सवाल था करते हैं जैसे इसके रेखा 65 रेखा सभी का और जो रेखा शर्मा गोविंद का रेखा 63 और गोविंद और रेशम का रेखा रेशम है रेशमा समझ गया तो भैया इसका वो आया था 6 रेशो तो मैंने उसमें ऐड कर दिया बना किसी का ही बता दो ये क्या संख्या ये दो है ये दो है ये तीन का एवरेज है तो ये क्या निकल रहा है ये चीज क्या है रेशियो एलिगेशन में रेशियो किसी निकल रहा था उसको डिवाइड करता हूँ कौन बता रहे बताओ यही बताओ सुनो एलिगेशन में रेशियो किसी तरह का होता है ऐसा कुछ चलेगा इसमें तो कुछ नहीं होगा इसमें पता चला कुछ एलिगेशन लगा दिया तो इसमें लगा दिया पता थोड़ी है क्या लगा नहीं अभी साफ आ रहा है तो चलो छह मान लिया अच्छा आ गया लेकिन नीला क्या है क्या निकला ये चेक कैसे जाएगा चेक एलिगेशन दोबारा सकता ना पर फिर भी ऐसे तो फिर पैर के नीचे जो होता है जो बटे में लिखा होता है उसका रेशियो निकल पाता है सामान की क्वांटिटी आ जाएगी क्योंकि मूल्य क्या होती है 100 रुपए पर यूनिट मान लो पर एक क्या निकल रहा है पर छह नीचे चेयर निकल के आएंगे इस तरीके से आएगा कुछ चेयर मेरी 500 के रेट की थी कुछ चेयर मेरी 700 के रेट की थी वो सबका कितना आ गया 600 का ठीक है या इसका 800 मान लो तो क्या निकल के आए दो रेशो क्या निकल के आया इस बार ये यूनिट निकल रहेगी इसकी चेयर की ये क्या थी 500 पर चेयर थी ना एक चेयर की इस बार क्वांटिटी मान लो ये किसकी है प्लास्टिक की है अरे लकड़ी की ठीक है तो मतलब हर एक प्लास्टिक की बन जाता है और इसके इसी बन जाती है ना जो सोना होता है वो चांदी नहीं होता लेकिन जो गहने हैं वो सोने के होते हैं चांदी के होते हैं तो ये किसी और के भी हो सकते हैं ये डायमंड के भी हो सकते हैं ये बनेगा भैया इसका सबसे अच्छा क्या बनेगा सोना चांदी आभूषण क्यों क्या गहना क्या होता है ज्वेलरी होती है सोने का देख सकती है ज्वेलरी कैसे बोल रहे हैं चेयर भी हो सकती है सोने का बैठ भी हो तो बैठ ज्वेलरी में कैसे बताओ भैया हमने भी ये लगा दिया था तुम्हारे रीजनिंग का सवाल है क्या
सवाल कौन सा कर रहे हैं? 283 बड़ी संख्या 16 है, 16 है, इसकी आज होगी मतलब 8 कितना हो गया? 24 बटे सबसे पहली बात तीन नंबर है, ऐसे मैं कह रहा 12 है, बड़ी इससे मेरे को बता दी 16 है, छोटी 8 होगी, तो छोटी 8 ये इससे ज्यादा होगी उतनी हो इससे कम होगी, 8 होगी और वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इसकी आदि ये एवरेज तभी पॉसिबल है जब इससे जितना ज्यादा है वो उतने कम होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 283 आंसर आ गया, है ना? इफ द एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव वन इज दिस प्लस 1 चलो बताओ बताओ पृथ्वी ने चांद को खींच रखा, चांद ने पृथ्वी खींच रखी, कैसे भी सकते हैं हम चांद ने पृथ्वी खींच रखी, लेकिन हमेशा बड़े की तरफ प्रणाम छोटा बड़े को करता, बड़ा छोटा नहीं करता, बचपन में हम ये एड करते हैं, बात एक ही है क्या, हम ये बोल सकते हैं 25 में बचपन एड करते हैं। आगे आंसर सबसे छोटा नंबर क्या है? इकतीस सही है, 31 ठीक है, वो भी आसान सवाल है, इस तरीके बार बार रिपीट होंगे, बार बार पच्चीस का प्लस माइनस कर दो कितना एवरेज बचपन था, संख्या कितनी थी 25 में से कर 24 जब जोड़ दूंगा सबसे बड़ी आ जाएगी, अगर कंटिन्यूटिव कह देता 12 जोड़ देता 12 ठीक है, 27 है तो प्लस माइनस क्या कर दो, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए 5 से निकाली तो 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दो, सबसे बड़ी सबसे बड़ी छोटी पूछ रहा है, 3 है, सबके अलग अलग है, वन एक्सपोनेंशियल से ब्रेक करके 300 करने तो ब्रेक करके 300 होगा, जैसे 30 है तो 30 पर 23 दिया, 23 दिया क्या जाएगा 690 आएगा, और 23 को 1 से जोड़ दो 30 आएगा, दोनों जोड़ के कितना आंसर आ गया, कैसे कर लो 20 प्लस 3 वो 20 है, 31 दूनी 62 26 में दिख रहे कर दे करो ना, जल्दी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 286 बात नंबर का ये है, 3 जोड़ दिया तो क्या होगा भैया, हर एक संख्या पर 25 जोड़ दो, अभी बताया था तीन संख्या, तो 3 संख्या तो 1.5 होगा, जितनी भी उनका गैप है उससे दोनों डिवाइड कर दो, एक संख्या तो उतना पड़ेगा, उदाहरण के तौर पर अगर चलो बताओ कौन बताएगा, ये बताएगा आर्यन और उसके बाद हम मानेंगे आर्यन सब आ गया, अगर एक संख्या सारी संख्या है 101 के मल्टीपल है, ठीक है उनका एवरेज 1 है, मैंने उसमें दो संख्या जोड़ दी 101 कितनी संख्या हो, मैंने मान ली 11 संख्या का एवरेज था, 1 जो कि सारी की सारी संख्या 101 के मल्टीपल और उनका औसत आ रहा 1, मैंने दो नई संख्या जोड़ी इसके आगे सबसे बड़ी,
दो तक क्या आएगा? दो ग्यारह संख्या होगा एवरेज कितना? मैं पूछना चाह रहा हूँ 13 संख्या होगा एवरेज कितना होगा? तो ये सारी संख्या जो है ये सब 101 के मल्टीपल है। दो जोड़ाया तो इसमें दोनों तो इसमें तो दोनों नंबर बढ़ा लिख दिया और पॉइंट उसका रख लिया हमने कंसेक्यूटिव का। क्या बताया था मैंने? जितना भी एक नंबर है जितना भी एक नंबर से बढ़ रहा है उसको दो से डिवाइड कर दूंगा तो एक नंबर की वजह से एवरेज बढ़ेगा। कितना कितने का मल्टीपल है? 101। तो अगली संख्या 101 से बढ़ेगी, 101 से बढ़ेगी तो हर एक नंबर से इतना बढ़ रहा है। एक मैंने दो संख्या बढ़ाई है कितना बढ़ेगा? 101 आया। तो मतलब तुम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रही है ना? पूरी एक क्लास पहले करा था हमने नवी अप्रैल मार्च में। चलो कल मैंने कहा था सवाल नहीं पूछने से मल्टीपल है सारे संख्या अगर 101 है तो दूसरी 200 होगी, तीसरी 303 होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो जब मैं संख्या जोड़ूंगा तो 101 से बढ़ेगी। और हम कैसे करते हैं? जितनी भी एक बार में बढ़ रही है उसका आधा जोड़ो, उतना से एवरेज बढ़ता है। यही तो मैंने दो संख्या जोड़ी थी, अगर एक ही जोड़ता मैं तो एवरेज बढ़ता, इसका आधा रहता है। मैं दो जोड़ी तो इनको दो हो गया, 50.5 सवाल है। टाइम कितना हो गया? 2 कॉमन दे दूं, ये आ जाएगा 1, 2, 3 इस तरीके से 5 क्यों आ जाएगा? 10 ही आएगा ना। पहली संख्या से 1 आ रहा है, दूसरी संख्या से 2 आ रहा है, तीसरी संख्या से 3 आ रहा है, कितनी संख्या रहती है? 10 ही होने रही थी, तो 10 ही संख्या से 10 आ रहा है, 20 रहेगी ना, फिर तो 10 संख्या से 10 ही ना। तो 2 को मैंने इसका मुझे फॉर्मूला पता है, क्या पता है? इनका सब पूछा था, क्या पूछा था? सबका सब पूछा था, एवरेज पूछा था, सम संख्याओं का एवरेज पूछा था। मैं सही काम कर, इसका मुझे पता है एन एन प्लस 1 होता है, एन एन प्लस 1 और एन से काटूं तो एन से एन कट जाएगा, तो कुल मिला के एन प्लस 1 को 2 कर लेता हूं और 2 से 2 भी कट जाएगा, एन प्लस 1 है ना, एवरेज होगा 2 से 2 कट गया तो एन प्लस 1 कर दो, 10 प्लस 1 11 है ना। तो नहीं तो कैसे कर सकते? तो फॉर्मूला से करा दूंगा, नहीं तो मुझे पता 10 संख्या है, अगर ये 11 होती है 9 होती है बीच वाली टर्म दे देता बस, 10 संख्या में बीच वाली दो टर्म होती है 5 में छोटी, तो 5 में छोटी संख्या पहुंच जाए तो दोनों जोड़ दो, दो बटा दो, दो बटा दो, क्योंकि पहले बार आते हैं पूछना मुश्किल है, 5 छोटी पहले आ जाएंगे मेरी। तो क्या करा मैंने? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और मैंने क्या करा? 5 और छठी, क्योंकि बीच की दो टर्म आएंगे, बीच की दो टर्म दोनों को जोड़ दो और बाई 2 कर दो, ऐसे निकल सकता है। पहली और आखिरी को जोड़ूंगा बाई 2 करूंगा तभी निकल सकता, लेकिन आखिरी तक जाएगा वो, है ना? जब मैंने यहीं से काम कर दिया 5 और छठी को जोड़ के, है ना, यही काम खत्म हो गया। इतना आगे क्या है? ये हो गया फॉर्मूले से जैसा करना चाहिए हमें, छोटी संख्या अभी 5, 6, 7, 8 आ रही तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन संख्या कहते तो 100 संख्या होती है, गिनती पर हम लिख पा रहे हैं कैसे? ठीक है, नहीं लिख पा रहे है ना। एवरेज एवरेज क्या बना ये नंबर का? 10+1 सीधा तो 55.5 गुणा 2 कर देते हैं, 10 होता है,
डायलॉग रही संख्या 11 होती एन स्क्वायर बाय 11 पहली वाली संख्या जो है सबका ऐसे में देख लो ना इसको क्या रहा है सबको उल्टा करेंगे नीचे बारह बनाना है ना तो इसमें पांच आएगा नहीं करके देख लो भैया इसी से देखो इसका 36 आ गया ठीक है और तीन तीन संख्या है 1/36 तो 1+2 आंसर ये नहीं है क्या नहीं नहीं आ रहा है हमारे क्या निकल रहा है 7/2 ठीक है बी चेक कर लो बी में वैसे दिख रहा है क्या आया था 7/4 आया था इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा ये यही है बी तो बनाइए 7/4 आएगा वहां से7/4 आया और ये 3 से 2 करोगे क्या जाएगा ठीक है चलो हो गया ऑप्शन सेट हो गया पहले सी उठा फिर बी उठा फिर ए उठा फिर डी उठा ठीक है भाई 289 क्या है एवरेज को गुणा कर सभी नंबर का नंबर है सबसे कितना भी होगा हर नंबर डबल कर देता है एवरेज डबल हो जाएगा सिंपल 16 हो गया बता दिया मैंने तीन संख्या जो भी नंबर के साथ होगा सारे नंबर का कोई एवरेज हां देख चलो नंबर बताओ अभी ये हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा सर 3 नंबर फूड एवरेज इज 40 द फर्स्ट इज 1/3 ऑफ द सम का एवरेज इसका बड़े का फर्स्ट नंबर बताओ तीन संख्या पहली संख्या दो अन्य मुझे पता है एवरेज 40 है तो संख्या सिंपल सही संख्या का योग 120 आएगा ऑप्शन क्या है 20, 50, 25, 30 ठीक है सी बी क्या तो खाता मैं सी फिर बी जब ये 25 है बचा कितना 95 जब मैं 25 घटा दूंगा तो बाकी दोनों का योग बचेगा और ये चेक कर दूं क्या उसके 1/3 है अगला सर ये 25 तो बाकी दोनों का योग कितना हुआ 95 क्या 1/3 है सर नहीं 70 होता तो ये नहीं हुआ तो ये हुआ ये 50 तो ये 70 क्या 1/3 है4 की वैल्यू दे रखी ये क्या कह रहा है पहली संख्या 3 है
मतलब पहली ये होगी तो दो संख्या के मैंने बी प्लस सी मान ली रेशियो किस तरह रहता है बी प्लस सी का तो कितना हो गया एक प्लस बी प्लस सी चार की वैल्यू करती है एक की तीस करेगी और तीन की पूछा था उनका योग पैतालीस से चौवन की जाएगा एवरेज कम हो जाएगा कितना साढ़े बारह परसेंट होता है मतलब परसेंट पॉइंट वन टू फाइव हो जाएगा ठीक है बावन दिया कितने रन बचे अभी सवाल है बता रही है आगे लेते हैं में 30 ओवर में 5.2 के एवरेज रन बने तो कितना हो गया बावन किया 156 रन की तरह 280 कितने बचे हैं 124 ओवर कितने बचे हैं 30 ओवर हो चुके हैं मंडे में तो 20 ओवर बचे हैं ठीक है दो से काटे कितना आया 62 हो गया अगला सवाल पास कर रहे 49 है चौथे प्लेयर ने कितने बनाए हो जाएगा 49 इंटू 5 करके सीधा सही माइनस कर दो सबको जोड़ के वर्णा क्या कर सकते हैं कितना आसान सवाल कर लेना जो माइनस में तो माइनस करो प्लस में प्लस करो कैसे पालक पालक जो भी है बारह से निकला वो भी कर लेते ठीक है 294 एवरेज रन स्कोर बाय बैट्समैन 7 मैचेस 53 है एंड द अदर 9 मैचेस आसान पर 7 रन में 53 देखना करते हैं 16 मैच में 20 ज्यादा कितने में 7 को कितना पॉइंट है 16 क्या हमारी टीम के करेक्ट पर आते हैं 20 का करना है ठीक है ठीक है 35 49 11 8 पॉइंट 7 से मिला गया ये कितना 41 पॉइंट 7 ठीक है
आप दोनों का योग क्या किया जा रहा है? तो ये सबको दोनों का कितना लाभ होता है? ये कैसे कर लेते हैं? सबसे पहला काम है आज का मुझे सबका 30-35 होना चाहिए, सारे उम्र 35, लेकिन सर मैं 2 साल घटा दूंगा, तो दोनों पॉइंट को करके पहले ऑप्शन में से 2 घटाया तो क्या आया? 24 और 5 आगे भी चेक कर लेते हैं, और 56 आ रहा है, ये नहीं है ना, ये 12 नेगेटिव में पहुंच गया, ठीक है तो 0 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। दो ऑप्शन होगा, 296 22 बढ़ गया उसका, ठीक है,
45 घटा दो उसमें से एक साथ नहीं घटा दिया लेकिन 87 में से कितना आया 14 दिया है उसमें दो जोड़ो 45 आया ठीक है तो 45 नया भी जाके हां लेकिन उसने मुझे पीछे बैठ के पहले पहले का तो दो माइनस 43 है पहले के हां भाई दो माइनस मैच के बाद उसका हुआ रहा है 43 किसके बाद का बता रखा है 45 अगर 21 से पहले का पूछ रहा है मैंने 21 लिया 21 मतलब ये 21वीं इनिंग में जुड़ गई है जब 21वीं जुड़ गई तो नहीं निकल रहा है 21 को मिला के आपने जाएगा ना 21 को मिलाएगा तो मतलब नया अभी बस इसी में आया है इससे पहले तो आप 21 पर पूछा जरा तेरा देखो भाई इस क्वेश्चन में जाओ तेरा देखो ना जरा टाइम मांग रहा है ना 300 जवाब नहीं आया है हो सकता है गलती से उसने गलत लिख दिया हो और उसने सर मार कर रहेगा तुमसे और निकाल लेना दोनों भैया भी गलती किसी कैसे कर रहा है जो बता कर लेते हैं और तो तीन नंबर रूम एवरेज 22 83 3 है अभी कर रहा है तो कर ले फिर से 11 दे दिया किसका दे दिया अभी एवरेज 22 इनटू 3 66 22 इनटू 3 6 आ गई क्योंकि 6 आ गई ठीक है तो 1 की 18 आ गई आगे भी पहले संख्या 3 कमाइजिबल होगा ऐसा नहीं एक ही ऑप्शन है ये भी हो गया पहले संख्या 3 कमाइजिबल है चलो ऑप्शन सी हो गया था वैसे भी ऐसे भी हो गया ना सेम किसके रहा क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा नंबर बना रहा बिफोर पूछा देखो इस बार 16 क्वेश्चन कर रहा है कैसे करूंगा तो समझो
तो इसमें चालीस घटा दो आगे पैंतालीस से आगे तो उसका भैया इसमें से बीस चालीस हमें भैया इसमें चालीस इसमें फोर्टी सेवन बचेगा फोर्टी सेवन बचा ले कौन सा आया वो आपका आएगा और जो हटा देंगे फोर्टी फाइव आएगा चालीस में से घटाया तो नया रह जाएगा क्योंकि ये जितना इसके पास कम होगा वो इसके पास ज्यादा है और दोनों को मिला के ये वाला एवरेज आएगा या वो निर्णय जाएगा तो नया एवरेज बन जाएगा ठीक ऐसे मान लो हम दोनों का एवरेज बीस है मेरा और एवरेज ज्यादा मेरे पास तीस है इसके पास दस है तो जितना मेरे पास ज्यादा उतना इसके पास कम है ना तभी तो बीस है ना ऐसे जितना इसके पास ज्यादा है उतना इसके पास कम होगा ठीक है तो इसके पास कितना ज्यादा आया सारे ज्यादा इसके पास कम होगा माइनस कर दो ठीक है तो पिछला वाला भी सही है ना इस वाले दोनों में क्या हो जाएगा ये क्या निकल के आया आपका ये नया एवरेज निकल रहा है ना कितना वीडियो जैसे चार आता है पहली संख्या है ना और 200 से पहले कौन सा मल्टीपल यही आपका वो भी एक सौ पचानवे एक सौ तीस में पैंसठ जोड़ा गया है एक सौ पचानवे है ना तीन दोनों को जोड़ लो नौ से डिवाइड कर दिए से क्या आ जाएगा बावन इधर से क्या आ जाएगा दूसरे डिवाइड कर दे आठ पॉइंट फाइव एक दोनों जोड़ लो कितना आ जाएगा दो पहली से शादी करके भाई लोग स्टार्टिंग से दूसरी उलाते दूसरी भाई होकर स्टार्टिंग से तीसरी उलाते तीसरी भाई होकर ठीक नहीं तो मुझे पता है सात लगातार सात नंबर आ जाएगा सबने एक ये कहेगा सेवन इंटू वन ये सेवन इंटू टू ये सेवन इंटू थ्री सात ही आएगा ऐसे एक प्लस दो से सात तक ठीक अभी हमने पढ़ा था छोटी होगी सात अगर सात ये सात ना कह के कह देते सत्तर संख्या फिर कैसे करते मुझे होगी सात से इंटर बन छिहत्तर का आधा क्या होता है
छोटी पी थी तो 7 × 4 करना पड़ा ना मेरे को। ऐसी इसमें कौन सी 70 में कौन सी होगी 39 में कंडीशन की होगी 38 इधर 39 7 × 2 ये लगी बीच में है ना ये तो ना जो 7 कोण लेगा लेंगे तो ये आगे जैसे 4 आया 7 × 4 और ये सुंदर भी 4 और ये सुंदर बात चलो बता इसी बात पर तुम किसने बताना जो पीछे बैठा है 7 के 111 संख्या है 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे 111 संख्या 7 के मल्टीपल्स क्या नहीं बताया 56 ना मोबाइल लगाने की होता है जो 20 फीट हम देखे तो 7 × 56 है ना नंबर बताने हैं। हाँ। मैं तो 50 हो गया है।